भारत माता की जय। साथियों, मार्कोस टीम पटना गांधी मैदान में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थी जो पास कर गए हैं वो बिल्कुल मेडिकल के लिए तैयार हो जाए, और जो अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं यानी कि जिनका फिजिकल बचा है वो आप रिजल्ट देख के समझ रहे होंगे, आपको मेहनत करने की और सफलता पाने की जरूरत है। जो लड़के पिछले बार रेलवे ग्रुप डी फेल है वो इस बार पास किए हैं मेहनत करने से। जो लड़का मेहनत करेगा उसकी रिजल्ट होगी। अब जो वीडियो बनाने की जो मेन मोटो है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, उस पर मैं काम करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं यानी गोरखपुर जोन के, पटना जोन के, कोलकाता जोन के जो भी अभ्यर्थी बचे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आप सभी अभी से 25 तारीख तक पूरा लॉन्ग रनिंग, मतलब फुल लॉन्ग रनिंग पे ध्यान दो। एक टाइम इवनिंग में लॉन्ग रनिंग करो, पूरा लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादातर शाम में ध्यान देने की जरूरत है। और चूंकि आप पहले से दौड़ रहे हैं तो सुबह में स्टेप रनिंग करने की जरूरत है। अगर आप स्टेप रनिंग, यानी कि स्टेप रनिंग का मतलब क्या होता है, स्टेप पे भागना, स्टेप पे धीरे धीरे भागना स्टेप खोल के, तो जब स्टेप खोल को भागेगा तो टाइम गिरेगा। बहुत सारा फोन आ रहा है और फोन आने से ये लग रहा है कि लड़के स्टेप नहीं खोल रहे, अभी भी सुबह में भी धीरे दौड़ रहे हैं। सुबह में धीरे दौड़ना बंद करिए, शाम में लॉन्ग रनिंग करिए और सुबह स्टेप रनिंग करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। और साथियों, आपकी कोई भी सवाल अगर आ रही है, आपको लग रहा है डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज, लड़के पूछ रहे हैं हुबली जोन वाले कि सर अब 10 दिन बचा है क्या डाइट लें। डाइट जो है वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया हूँ, ज़्यादातर खाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अंततः जो फाइनल है वो आपको, आप पीनट बटर खाइए रोटी में लगा के, रोटी में लगा के, ये हो गया रोटी हाथ में और उसमें पीनट बटर लगा के खाना है। आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत रहता है इसलिए पूरा क्लियर बता रहे हैं। रोटी हाथ में रहेगी, उस पर पीनट बटर लगा के दोनों साइड से, और उसको सब्जी के साथ खाना है। सुबह में पीनट बटर लगाओगे 4 से 5 रोटी में, जितना खाना है सुबह खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में कम खाना खाना, लेकिन सुबह में बढ़िया से अच्छे से खाना, पौष्टिक आहार लेना, चना वगैरह सब खाना, दूध वगैरह पीना। दूध पीने से सुबह फायदा करेगा, बात है क्लियर, ठीक है? या फिर रात में सोने से पहले, दिन में कोई दूध फायदा नहीं करेगा, ठीक है? आपको पीनट बटर और हरी सब्जी, पानी इस बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। अंडा वगैरह खाओ, पनीर, जो अंडा, जो नॉनवेज नहीं खाता है वो अंडा खाओ। और अगर आप खा रहे हैं अच्छे तरीके से, उसमें फ़ोन तो नहीं आएगा, अगर आप खा रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपको बेनिफिट करेगा। शाम में सोने से पहले अगर पेट में मान लो दौड़ने में उल्टी आ रही है, या यहाँ पे दर्द हो रहा है, या जहाँ पे दर्द हो रहा है, या साइड में हो रहा है, तो समझ लो कि ये डिहाइड्रेशन हो रहा है। वो आपको बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, उससे आप बचिए। आप बैठिए वहाँ पे, बैठिए, आप उससे बचिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो भी अभ्यर्थी हैं फाइनली आप उससे पास करेंगे, ORS का घोल पीना स्टार्ट कर दीजिए। एक ORS के पैकेट को, हमारे पास ORS पैकेट है यहाँ पर, अभी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। ORS आता है उसका, एक पैकेट को 2 बार पियो, पेट में दर्द नहीं होगा। साथियों, आप सभी वीडियो को लगातार देखते रहे और अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, जो भी डाउट है वीडियो बनाई जाएगी। आप सभी एक गाना सुने होंगे, केहो दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा, तो आपके अपने परिवार के लिए आप एकदम इकलौते हो, आपके परिवार को आपके सिवा कोई भी नहीं है, इस बात को याद रखें और ऐसे दौड़ें कि आप भर्ती को पास करें। जय हिंद, जय भारत।